आपको इस चैनल पर डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप किस तरीके से अपनी फी पेमेंट को प्रिंट कर सकते हैं और फाइनली आप किस तरीके से अपने प्रोविजनल लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देता हूँ आपके लिए, ये जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए नेसेसरी है कि अपनी जो फ़ी उन्होंने पेमेंट करी है, फ़ी रिसिप्ट अपनी डाउनलोड करके और उसका प्रिंट निकलवा के कम से कम उसके 2 या फिर 3 फ़ोटो रखें, राइट। और साथ में जो आपको प्रोविजनल लेटर में बता रहा हूँ ना, वो प्रोविजनल लेटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो अभी स्पेसिफिक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे 12 तारीख के बाद। तो 12 अक्टूबर के बाद आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो जिन भी स्टूडेंट को कोई भी सीट अलॉट हुई है तो प्लीज़ वो प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कर ले अपना, अन्यथा उनको फिर चांस नहीं मिलेगा, वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और इसके बिना आगे का प्रोसेस भी नहीं होगा, ये आपका वेरिफिकेशन के टाइम पे यूज़ आएगा, राइट। तो मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले देखिए, अगर मैं फी रिसिप्ट डाउनलोड करने की बात करूँ, किसकी फी रिसिप्ट को, तो देखो फी रिसिप्ट आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, बहुत ही सरल तरीका है। सबसे पहले आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, आई थिंक ये सबको आता होगा, राइट। तो इसलिए मैं ये बेसिक स्टेप पर नहीं बता रहा। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको अवेलेबल सर्विस है। सो जैसे आप अवेलेबल सर्विस में आएंगे तो अवेलेबल सर्विस में आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, फ़ी पेमेंट डिटेल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, राइट, तो देख सकते हैं, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अब तक जितनी भी फ़ी करी है वो सब कुछ शो हो रहा है। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ी करी थी 200 रुपये, तो ये शो हो रहा है, और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करी है तो ये आपको शो हो रहा है 7,000, और तीसरा मेरे को शो हो रहा है 700 रुपये, कौन सा, जो मैंने काउंसलिंग के टाइम पे करा था काउंसलिंग के लिए, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। एंड देन उसके बाद आपको कौन सा प्रोसेस करना है, यहाँ पे देखो प्रिंट करने का कोई भी ऑप्शन कहीं भी नहीं है, तो आपको देखो किस तरीके से प्रिंट करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्रोम ब्राउज़र आपने फ़ोन में अगर कर रहे हैं तो कोई नहीं, क्रोम ब्राउज़र खोल लें, और उसके बाद आपको यहाँ साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है लास्ट में, और यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन होगा, ये राइट, ये दिख गया आपको, इस शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करा, तो शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, जैसे ये रहा मेरा प्रिंट, तो मैं प्रिंट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको प्रिंट पे क्लिक आउट कर लूँगा तो देख सकते हो ये मेरे पे एक PDF इस तरीके से फॉर्म हो गई, और यही मुझको करना था, तो फाइनली मेरा काम हो गया। आप यहाँ से इसको प्रिंट में सेव कर लोगे और इसको शेयर कर लोगे और फाइनली इसको बाद में निकाल लोगे, मैंने सेव कर लिया इसको, राइट। तो ये प्रोसेस आपको सही समझ में आ गया, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, आप प्रोविजनल लेटर किस तरीके से डाउनलोड करोगे अपना। तो ये प्रोसेस तो आपका कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ आप प्रोविजनल लेटर किस तरीके से डाउनलोड करोगे। तो कुछ नहीं, अवेलेबल सर्विस में दोबारा आना है आपको, और अवेलेबल सर्विस में आने के बाद सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, सबसे लास्ट में सीट अलॉटेड रिजल्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो, राइट। मैंने जैसे इसको क्लिक कर लिया, क्लिक आउट करने के बाद ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डाउनलोड करना है और ये 12 तारीख के बाद हट जाएगा, फिर आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक बार चेकआउट कर लेना कि यह सब आपका कंप्लीट है या फिर नहीं, अगर कंप्लीट नहीं है तो दोबारा इसको कंप्लीट कर लेना, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका लिखा है डाउनलोड सीट अलॉटेड लेटर, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, नाइस। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पे आ रहा है सीट एलोटेड डिटेल, और इसको आप प्रोविजनल लेटर को डाउनलोड कर लेना है, राइट। क्लियर हो गई, जैसे ही मैं इस प्रोविजनल लेटर को यहाँ पे क्लिक करूँगा ये आपका डाउनलोड होने के लिए तैयार हो जाएगा और फाइनली आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए जैसे कि मेरा डाउनलोड हो गया, और बिल्कुल सेम यहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, और इसका कम से कम 2 या फिर 3 प्रिंटआउट निकलवा लो, राइट, तीन निकलवा लो सबकी कॉपी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो मिस होने के बाद, और इनको आप शेयर करके रखो कहीं पे या फिर ड्राइव में सेव करके, ताकि आपको आगे कभी प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक, फाइनली जो भी आपको डाउट्स है पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।